guys, my name is Kaval Sethi and you are watching Celebrity Talks with Kaval. It's a great pleasure for me to introduce today's guest. Today's guest is a veteran actor who had acted in many movies like The Dirty Picture, Nayak, and many famous TV shows, Kasam Se, Kum Kum Bhagya, Savdhan India, Sonachi Pavla, and many more. Please welcome Neha Baum. Hi, Neha ma'am. How are you? I'm fine. Good. How are you? All well. Thank you so much for coming. It's so so nice to connect with you. In fact, I have seen so many serials of yours and I personally really, really, really love you. Thank you so much for coming to on our show. Same here. Thank you so much. Yeah. Ma'am, you have worked in so many shows, movies, ads and everywhere in all the sectors of entertainment. So, when was that particular moment jab aapne decide kiya that you want to do acting? Actually, I can say this was very much accidental. Actually, I used to love, when I was in college and schools, I used to do acting and, you know, participate in dramas and all that. More than that, I used to love singing. So, orchestra mein jo college ke gatherings wagera hote, usme main gaya karti thi. And ye bas ho gaya. Actually, मुझे ना आई लाइक टू गेट माई सेल्फ फोटोग्राफ सो वैसे करते करते ना सम हाउ आई केम इन टू दिस इंटरेस्टेड एंड सम नेचुरल थिंग इज टैलेंट वॉज देयर इन मी. Amazing, ma'am. ये बात बिल्कुल नहीं पता थी मुझे. That's nice. नहीं, जैसे मैंने कॉलेज में एक spontaneously देर वॉज सम कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन कॉलेज में, राजाराम कॉलेज में चल रही थी कि कोई भरी हुई बस में चढ़ रहा है या कोई नल के ऊपर जो झगड़े होते हैं औरतों के उसमें, या बटरफ्लाई को पकड़ना, ऐसे कुछ कंपटीशन थी ड्रामा में, वन एक्ट समथिंग. एंड सब हो जाने के बाद जब प्रिंसिपल ने कहा कि ये सब देखने के बाद किसको लगता है क्या कि किसको कुछ करने का मन है तो आप कीजिए, तो उसमें मैंने स्पॉन्टेनियसली किया था. एंड व्हाट आई रिमेम्बर इज मेरे पांव इतने, इट वाज ट्रेम्बलिंग लाइक एनीथिंग, एंड मुझे सेकंड प्राइज मिला और पूरा हॉल हंस रहा था बहुत. तो एक स्पॉन्टेनिटी जो है ना मुझ में, वो मैं आई कैन से कि देयर इज अ स्पॉन्टेनिटी एंड विदाउट स्क्रिप्ट आई कैन एक्ट वेरी वेल, ऐसे मुझे पता चला है. आप शब्दों में जब मतलब घिरे हुए होते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, अटक जाते हैं आप, तो एक स्पॉन्टेनिटी मुझ में है ऐसा मुझे लगता है. लवली मैम, नो वंडर कि आप इतने नेचुरल एक्टिंग आप करते हो और कभी भी देख के ऐसा नहीं लगा कि यार इस करेक्टर की मम्मा ये नहीं है, इस करेक्टर की बहन ये नहीं है, बिकॉज बहुत ही नेचुरल एक्टिंग है आपकी, नो डाउट. मैम, यू नो लाइक आज भी अगर बच्चे अपने माँ बाप को बताते हैं यू नो दे वांट टू बी एन एक्टर, यू नो सो दे रियली गेट स्केयर्ड कि अरे यार इस ये क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, यू नो बिकॉज देयर सो सो मेनी पीपल हु आर कमिंग हु वांट्स टू कम टू दिस फील्ड, यू नो. लेकिन आपके टाइम पे व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन जब आपने बोला दैट ओके आई वांट टू बी एन एक्टर? टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज ऑलरेडी मैरिड. And I had two kids. So parents का सवाल ही नहीं आता. हाँ, मेरी माँ मुझे टीवी पे देखती थी तो she used to be very happy. So जब मैंने शुरू किया तब I was already married and having two kids. Okay. But so my mother-in-law was, you know, she was taken aback and she said कि all of a sudden ये भूत कहाँ से आया कि acting करनी है. तो आई सेड कि एक्टिंग नहीं करनी है, बट यू नो एक प्रेस एड जो होती है ना पेपर्स में, न्यूज़पेपर में जो प्रेस एड आती है, एक ऐसे ऑयल का डब्बा लेके कोई औरत खड़ी है, हंस रही है, पैराशूट हेयर ऑयल की एड है और समथिंग लाइक दैट, ये मेरे मन में ऐसा खुश था कि मैं यू नो ऐसे मेरे फोटोग्राफ्स आ जाए. तो सच में ये मेरे भी दिमाग में नहीं था, बट एक बार मेकअप लग जाता है ना तो सब कुछ दिमाग में आने लगता है.
मैम आपकी स्टोरी सुन के मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं इससे इतना रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज मैंने जो कुछ भी करना शुरू किया वो अपनी शादी के बाद, अपने दो बच्चों के बाद किया. यू नो आई पार्टिसिपेटेड मिसेस इंडिया दुबई, यू नो वो सब किया, एड्स, शूट्स, मॉडलिंग, जो कुछ भी. तो आपकी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है कि गॉड, ये तो बिल्कुल मेरी तरह स्टोरी है. Yeah, क्योंकि I was assistant librarian in Wilson College. I have done BA and after that I have done Bachelor of Library and Information Science. तो मैं नौकरी कर रही थी and when I started this really there was a big problem in the house कि एक 9-to-5 job नहीं है and you know उसके बाद भी ना बीच में मैंने break ले लिया because my mother-in-law she was like you know और दो छोटे बच्चे भी थे, poor thing. Now I really feel bad for her. All of a sudden I started shooting and all that. And poor thing, उनको कैसे लगा होगा. तो तब मैंने बीच में ब्रेक लेके, मतलब मैं प्रेस एड्स, एड फिल्म्स वगैरह कर रही थी. स्टार्टेड वेरी स्लोली, ग्रेजुअली सब हो रहा था. और फिर मैंने ब्रेक लेके देखा और मुझे पता चला कि मेरा मन नहीं लग रहा है नौकरी में. वही 9-to-5 में वही चेहरे देखो एंड यू नो. तो फिर अगेन आई केम इन टू दिस एंड अगेन देन आई टुक इट एज अ फुल फ्लेश, यू नो आई कांट से प्रोफेशन बट यू कैन से हॉबी. फॉर दैट दैट टाइम इट वाज अ हॉबी, देयर वाज अ थिन लाइन बिटवीन प्रोफेशन एंड हॉबी. अभी आई एम ग्लैड कि आपने डिसीजन लिया और आप जैसी इतनी अच्छी एक्ट्रेस हम लोगों को देखने को मिली. आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली को कौन देखेगा, ये सब चीजें तो अक्सर लेडीज के दिमाग में आती हैं. दैट्स रियली बोल्ड डिसीजन. आती है, आती थी बहुत. आई रिमेम्बर एक शूट में आई स्टार्टेड क्राइंग एंड काफी सारा वक्त लग रहा था. कुछ कैल्विनेटर की एड थी शायद, रेफ्रिजरेटर की. हेमा मालिनी जी करने वाली थी, शी वॉज अ ब्रांड एम्बेसिडर व्हाटएवर. एंड सब डमीज बुलाए थे, देवानंद की डमी, इसकी डमी, उसकी डमी, वो सब. और वो सब शूट चल रहा था एंड पुना वाला बंगलो में मड आइलैंड. एंड आई रिमेम्बर एंड हो ही नहीं रहा है, शूटिंग कब से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है. दैट वॉज वेरी न्यू फॉर मी, मतलब शुरू किया था फिर भी. तो सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग. तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि क्या हो गया. आई सेड मुझे बच्चों की याद आ रही है. सो ऑल द टाइम बच्चे तो थे ही दिमाग में, दिल में. ऑल द टाइम आई हैव बीन यू नो ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, माय प्रोफेशन एंड माय हाउस टिल टुडे. या आई एम रियली श्योर कि आपने दोनों ही चीजों में बहुत अच्छे से बैलेंस किया होगा और आपके बच्चों को आप पे बहुत ज्यादा प्राउड होगा. मैम यू नो आजकल आपने देखा है, जैसे यू नो देयर आर सो मेनी मूवीज, टीवी शोज, नेटफ्लिक्स, Amazon एंड लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स यू नो टू शोकेस योर टैलेंट. सो यू नो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि लाइक यू नो डेली सोप जो आप करते हैं वो और मूवीज और टीवी शोज में, एक्सेप्ट बजट को छोड़ के, क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है आज की जो OTT प्लेटफॉर्म या वेब सीरीज में जो भी आ रहे हैं, जो भी हम वेब सीरीज देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वन थिंग इज दैट कि आप एट वन स्टेज देख सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी अच्छा आता है. एंड द स्टोरीज आर ऑल्सो वेरी गुड. एंड आजकल डेली सीरियल थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, बहुत हेक्टिक. एंड TRP की एक स्ट्रेस होती है कि कौन से आर्टिस्ट के वक्त TRP ज्यादा होती है, कौन से आर्टिस्ट के वक्त नहीं होती है. ट्रैक्स चेंज होते रहते हैं एंड ये TRP का जो वॉर चलता है ना, उसका स्ट्रेस नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर पे आता है बट आर्टिस्ट पे भी आता है काफी सारा. और स्टोरी लाइन चेंज होती रहती है. कभी कभी कहा जाता है कि आपका बहुत लंबा रोल है, थ्रू आउट रोल है, और कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन आपका ट्रैक चेंज होता है, कम होता है. तो ये अनसर्टनिटी जो है वो डेली सीरियल में बहुत बहुत है. हाँ, फिल्म्स आप कहेंगे तो फिल्म्स आर गुड. आपको पहले ही पता होता है कि आप छोटा रोल कर रहे हैं, बड़ा रोल कर रहे हैं, कितने सीन्स आपके हिस्से में आ रहे, यू नो दैट. तो आपकी माइंड क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन है. हाँ, एडिटिंग के बाद एक वो तो दूसरी ही कहानी है, एडिट में क्या क्या एडिट होने वाला है. एंड ड्रामा तो सबसे बेस्ट है. ड्रामा जो स्टेज पे आप काम करते हैं उससे अच्छा तो इन सब में ड्रामा सबसे अच्छा है, ऐसे मैं कहूंगी.
जी बिल्कुल मैम, आपने कोई आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स व्हाट यू आर आस्किंग मी एंड आई एम नॉट यू नो नो मैम यू आर परफेक्ट, यू आर जस्ट परफेक्ट. अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक तो ऐसा हो सकता है किसी को बोलने का मौका दो बंदा बोलने ही लगता है. नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत परफेक्ट है. इनफैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे को आप पर मतलब एज एन एक्ट्रेस आई रियली रियली लव यू, और मेरे लिए आपको सुनना इट्स लाइक अनदर लेवल फॉर मी. सो आई एम वेरी हैप्पी, आप बोलते रहो. मैम आपने एक मूवी की थी, आपने एक मूवी की थी लिफ्ट बॉय के नाम से, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज. बहुत अच्छा था, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर एवरीथिंग वाज जोनाथन ऑस्टिन. एंड उसके लिए ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया था और ऑडिशन के लिए मैं गई थी और मैंने ऑडिशन दी. उन्होंने कहा कि एकदम गरीब सारी आप पहन के आना, यू नो बहुत मिडिल एकदम लोअर क्लास के लोग हैं ऐसे. एंड उस तरीके से मैं तैयार होके गई थी. उसके बाद कहीं और मुझे जाना था, वो ऑडिशन दी उसके बाद मैं यारी रोड या कहीं और चली गई थी. तो ये हो गया कि ऑन माय वहां पे तो ऑडिशन दी, उन्होंने कहा ओके वी विल लेट यू नो ओके. ऑन माय वे बैक मैं आधा रास्ता गई भी नहीं थी और जानतन का मुझे फोन आया एंड दे सेड वी हैव सिलेक्टेड यू. सो आई वाज लाइक जैक कि लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि इसको लेना उसके नहीं. ढेर सारा 50-100 ऑडिशन आर्टिस्ट के लेंगे, हम बताते हैं बताते हैं बताते हैं, रिवर्ट आता नहीं, आपको और दो काम आते हैं. और आप जब 3-4 जब ऑडिशंस देते हो तो आपको लगता है कि अरे यार इसमें से मुझे ये करना है, ये रोल मुझे अच्छा लगा. लेकिन रिवर्ट आते आते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू डू नथिंग एंड समटाइम्स आपको 2-3 जगह से हाँ आता है, देन यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट कि क्या करना है. तो ये भी चीज हो जाती है. एंड बट जोनाथन वॉज सो क्लियर एंड देर वॉज नो कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी कि उन्होंने आधे रास्ते में ही मुझे बोल दिया कि यू आर सिलेक्टेड. सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट हिज क्लैरिटी, नॉट दैट कि मुझे काम मिला या मुझे फिल्म मिली. मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगा कि व्हाट अ क्विक डिसीजन. या एग्जैक्टली, वो यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो टाइम लेते हैं, 6-6 महीने निकाल देते हैं एक ऑडिशन के लिए, वापस पहले ही बंदे के पास जाते हैं. तो यू नो द क्लैरिटी इज नेवर देयर इन सम पीपल्स माइंड. मैम आपने अभी बताया क्या मतलब, सॉरी नहीं, आपने अभी जैसे बताया कि आप यू नो एडिटिंग टेबल पे काफी कुछ एडिट कर दिया जाता है यू नो. और टीवी सीरियल्स में जैसे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट्स डाले जाते हैं यू नो, लेकिन फाइनली दैट एपिसोड साउंड्स जब आप देखते हैं खुद ही, तो आपको खुद कैसा लगता है? बिकॉज आई एम श्योर जब आप लोग शूट कर रहे होते हैं दैट इफेक्ट्स आर नॉट देयर यू नो, वो साउंड इफेक्ट्स, वो 10 बार सर घूमना एंड ऑल द स्टफ. तो फाइनली जब आप अपना एक एपिसोड देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं सच बताऊं आई एम वेरी क्रिटिकल और मैं अपने आप को ना बहुत कम मार्क्स देती हूँ. अगर मुझे आउट ऑफ 10 देने है ना तो मैं एकदम 2 पे या 1 पे आ जाती हूँ. मैं देखने लगती हूँ कि अरे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था. कुछ कुछ इमोशनल सीन्स अच्छे भी लगते हैं बट ऑल द टाइम आई फील अबाउट माई सेल्फ कि देर शुड हैव बीन मतलब इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, अरे ऐसा करना चाहिए था, अरे वैसा करना चाहिए था. यू नो कि मैंने वहां दिखा रहे क्लोज में मैंने ठीक से देखा तो मैं तो ऐसे ही देखने लगती हूँ. तो मेनी अ टाइम्स जब मैं पहली बार देखती हूँ तो आई डोंट एंजॉय, जब मैं रिपीट टेलीकास्ट देखती हूँ देन आई से कि हाँ यार इट वॉज गुड. तो कभी आप जाके अपने डायरेक्टर को बताते हैं कि मुझे ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम उसको दोबारा रिपीट कराओ मेरे से? नहीं नहीं, उसी वक्त ऑन द सेट आई कैन ऑलवेज टेल इफ आई हैव अ गुड रैपोर्ट एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल. अगर बहुत टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है और बहुत टेंशन नहीं है टाइम की, और अगर हो सकता है कभी कभी सीन्स ही इतने अच्छे होते हैं कि हमें लगता है कभी कभी कि अरे नहीं मतलब इसकी वजह से ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो इफ द डायरेक्टर इज ओपन माइंडेड देन इट्स ओके, वो भी कभी कभी चांस दे देता है. नॉट अ बिग मतलब नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम. मैम सो जब आपको बीच में ब्रेक मिलती है अपनी शूट के टाइम पे तो आप क्या कर क्या सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो करना, लाइक रील्स बनाना या फोन पे रहना या क्या करते हैं आप? नहीं
मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू अवर टच अप. अच्छा, टच अप करना ये करना, वॉशरूम जाना है एंड यू नो आगे का सीन पढ़ना है. और रील्स बनाने जितना टाइम, आई एम नॉट वेरी गुड एट रील्स, मुझे रील्स आते नहीं है, बिल्कुल नहीं है आते. अगर मुझे कोई कंपनी दे और बोले ना चलो दोनों मिलके बनाते हैं तो मैं बना सकती हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट गुड एट रील्स एंड ऑल दैट. तो हाँ ठीक है, फोन तो होता ही है हाथ में. जी सही है मैम. अभी हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ जिसका नाम है स्लैम बुक. ओके, मैं आपसे छोटे छोटे बहुत फास्ट क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे फटाफट उन सबका आंसर बताएंगे. ठीक है. ओके, फेवरेट एक्टर. नीरज काबी. ओके, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. सिंगापुर. ओके, एनीथिंग रैंडम एट द मोमेंट जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कुछ रैंडम सी बात. रैंडम सी बात अभी बताऊं जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि वेदर माय लुक इज गोइंग करेक्ट और नो, वेदर आई एम सपोज टू लुक एट यू और एट द कैमरा. मैम वो मैं इतने इंटरव्यूज में भी नहीं कर पाई हूँ कि मैं कैमरा को देख रही हूँ, मैं गेस्ट को देखूँ, क्योंकि मेरा ध्यान गेस्ट में चला जाता है, फिर मैं अपनी स्क्रिप्ट देखना भूल जाती हूँ. तो नाउ टेल मी माय लुक इज करेक्ट और नो, माय लुक इज करेक्ट और नो. समटाइम्स आई एम लुकिंग एट यू, समटाइम्स आई एम लुकिंग एट कैमरा. It's very natural, to be very honest. Yeah, आप मेरे को देख रहे हैं और फिर कैमरा को देख रहे हैं, it's perfect. Ma'am, अगर if not acting, then क्या? अगर acting नहीं तो क्या? Music, singing. Singing. Or teacher. Oh, okay. Favorite color? Because my father was a principal of B.Ed. college. He was a PhD. He was a doctor, was he? My mother was from education side, MA. All my sisters and brothers, all are teachers only. बस मैं ही भूले भटके इस राह पे आ गई हूँ. नहीं नहीं, मैंने आपको बोला, you know, thank God कि आप आ गए. Ma'am, next is my your favorite color. Yellow. Favorite TV show. Okay, mango yellow. Wow. Favorite TV show. टीवी शो जिंदगी चैनल जो हमने शुरू किया था बीच में जी ने, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे थे, वो मुझे बहुत पसंद थे. बट कौन से, खिचड़ी एक अच्छा था. जी जी जी, खिचड़ी. ओके मैम, आपका फेवरेट सॉन्ग. बहुत सारे हैं, आई कैन से कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया. ये फिल्म हम दोनों का गाना है, जयदेव साहब का म्यूजिक था, तो वो गाना है. बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत 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 फेवरेट है, बट मेरी जबान पे अभी ये आया. मैम, ऐसा कोई एक रियलिटी शो जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे? रियलिटी शो म्यूजिक का ही हो सकता है. ओके, बट आजकल सच बताऊं, शुरू के मतलब इनिशियल स्टेजेस में ये जो अंताक्षरी वगैरह जो होती थी, दैट वाज सो सिंपल. आजकल हर एक प्रोग्राम इतना एडवांस हो गया है कि ऐसा लगता है अरे नो आई कांट पार्टिसिपेट इन दिस, ऐसे हो गया. मतलब एक सिंपल सी चीज ना, एक कोई भी सिंपल सी चीज ना बहुत डिफिकल्ट, और मुझे लगता है कि हर एक चीज को बहुत बढ़ावा चढ़ावा देके ना उसको, मतलब वो सिंपल चीज नहीं है. जी बहुत ज्यादा कमर्शियल, बहुत ज्यादा. या मैम, समथिंग यू हेट. हिपोक्रेसी एंड अनटाइडीनेस, अनक्लीनलीनेस आई हेट. गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, कहां भी जाओ तो मुझे लगता है साफ सुथरा होना चाहिए. तो आई कैन से हिपोक्रेसी भी छोड़ भी दो, छोड़ ही दो, अनटाइडीनेस आई डोंट लाइक. Okay. One hobby. Listening to music. Ma'am, ऐसी कोई movie है जिसका, जिसे देखकर आपको रोना आया हो? Moment in a movie that makes you cry. कागज के फूल. Okay. Amazing. याद है स्कूल में मैं कागज के फूल देखने गई थी मेरी फ्रेंड्स के साथ. बहुत छोटी थी मैं उस वक्त,
एंड उसके बाद मैंने दोबारा वो देखी तो मेरी सहेलियां मुझे हंसने लगी थी, ये पागल है यार क्या कागज के, एक तो समझ में नहीं है और जाके दोबारा देख रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर फिल्म है वो, और उसका एहसास मैं इतनी छोटी थी तब भी मुझे हुआ था एंड आई कुड फील इट। सो एक सेंसिटिविटी मुझ में है, ओवर सेंसिटिव हूँ तो मुझे सीरियस मूवीज ही अच्छी लगती है। बहुत बंकस बिंकस एंड डबल मीनिंग एंड आई डोंट लाइक, आई लाइक सेंसिटिव मूवीज। मैम एक एडवाइस अगर आप यू नो न्यू जनरेशन जो न्यू एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस अगर आपको देनी हो तो आप क्या दोगे? दो ही दूंगी, एक तो कंप्लीट योर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, यू वोंट बी एबल टू, मतलब कुछ समझ ही नहीं पाओगे आप, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा घर से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, अगर घर से सपोर्ट है तो आप बिना दिक्कत आराम से टेंशन फ्री होके आप काम कर सकते हैं, चोरी छुपे शूटिंग नहीं की जा सकती, घर से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ये दो चीज मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस सपोर्ट वाला थिंग सो आई नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल की जनरेशन को डेफिनेटली यू नो अगर सपोर्ट मिल जाए तो आई थिंक दे कैन एक्चुअली गो far ahead instead of going for a wrong track. आपके घर के लोगों को पता होना चाहिए कि आप शूटिंग, मतलब you are interested in acting and all that, you know. बहुत सारे सेलिब्रिटीज की हम कहानी सुनते तब वो कहते हैं कि मैं बंबई भाग के चला आया, मैं रोड पे रहा, मैं इतने रूम में रह गया, तो वो दिन अलग थे ऐसा मुझे लगता है, सेफ्टी थी। ये आजकल के जमाने में ऐसे मुझे नहीं लगता कि आप भाग के कहीं जाके, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है घर से सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, घर को कॉन्फिडेंस में लेना घर वालों को बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शो मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय, या थैंक्स सर, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब CTW कवल।